और गणपति बापा की जो मूर्ति है वहाँ पे अंदर बैठने वाली है। सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और आज के वीडियो में मैं पार्ट टू लेके आ चुका हूँ गणेश गली के वहाँ पे। और जैसे कि आप लोग बहुत डिमांड कर रहे थे कि पार्ट टू लेके आओ गणेश गली के वहाँ का, कि कैसा डेकोरेशन, कितना डेकोरेशन यहाँ पे हो चुका है। तो जस्ट आज मैं फाइनली सेकेंड पार्ट लेके आ चुका हूँ गणेश गली का। जैसे कि आपने पार्ट थ्री लालबाग, पार्ट टू चिंतामणि देख लिया होगा, वैसे ही मैं आज पार्ट टू लेके आ चुका हूँ गणेश गली का। तो आज मैं एक्सप्लोर करता हूँ। पीछे आप देख सकते हो जितना पहला सजावट किया था उससे ज्यादा सजावट यहाँ पे हो चुका है। पार्ट वन में आपने देख लिया था कि मैंने पूरा सिनेमेटिक्स वगैरह पूरा एक्सप्लोर किया था यहाँ का, और पार्ट टू में मैं आ चुका हूँ, उससे ज्यादा ही कुछ डेकोरेशन हो चुका है। तो अभी मैं थोड़ा दिखाता हूँ आपको, एक्सप्लोर करता हूँ कि कैसा है क्या है। तो गाइस, जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे लास्ट टाइम आया था तो बस ये पीछे का लगा था और आगे का कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आप देखो गाइस सब कुछ हो चुका है। और ये जो आगे का जो ये जो मंडप है उसको और आगे लेके गए, और ये धीरे धीरे करके ना गाइस जितना यहाँ पे चिक्कल वगैरह आपको दिख रहा है ना, ये वहां तक पूरा स्टेज चला जाएगा। और अभी फिलहाल तो आधा ही बना है, बट बहुत जल्दी वर्क यहाँ पे स्टार्ट हो गया था और बहुत जल्दी यहाँ पे कवर अप भी कर लिया। लास्ट ब्लॉग में आप लोगों ने देखा होगा कि ये सब ना स्टेज वहाँ ही तक था, ये सब स्टेज वहीं तक था, और ये जो गोल राउंड दिख रहा है ना आपको जो बहुत प्यारा सा लग रहा है ये वहाँ पे था। तो वहाँ का जो उठा के यहाँ पे लाया, और दूसरा भी शायद यहाँ पे बनने वाला है। तो ये जितना भी स्टेज दिख रहा है ना आपको, ये धीरे धीरे यहाँ तक आगे तक आएगा और यहाँ का पूरा कवर अप हो जाएगा जब गणपति बापा का आगमन का तैयारी होना स्टार्ट हो जाएगा ना, ऑलमोस्ट जब बापा बैठने की तैयारी हो जाएगी तो यहाँ पे पूरी तरह से यहाँ पे कवर अप हो जाएगा, आगे तक हो जाएगा। फिलहाल यहाँ पे चिक्कल वगैरह दिख रहे हैं, ये सब देख सकते हो आप। और थोड़े टाइम के बाद ये सब धीरे धीरे करके यहाँ पे आगे तक आ जाएंगे। तो पहले मैं आपको थोड़ा यहाँ का सिनेमेटिक्स दिखा देता हूँ एंड आपसे मिलता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे जो सजावट है वगैरह बहुत ही प्यारी सी लग रही है, एंड सजावट ऑलमोस्ट पहले भी चालू हो चुकी थी जब मैंने पार्ट वन दिखाया था आपको, यहाँ पे बन रही इस जगह पे। और अभी अंदर जाना अलाउड नहीं है हम लोगों, क्योंकि अगर हम लोग अंदर जाके गणपति दिखा देंगे तो गणपति पहले शो हो जाएगी, तो हम लोग अंदर अलाउड नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टेज वगैरह देख सकते हो कितना प्यारा सा सजावट कर लिया है। और ये जो यहाँ पे स्टेज वगैरह दिख रहा है ना आपको, ये सब ये आगे तक जाने वाला है। ये जो नीचे आपको जो मट्टी दिख रही है उसके आगे तक एंड तक वहाँ पे पूरा स्टेज वगैरह तैयार हो जाएगा। और आप लोग जो बोल रहे थे एक टेम्पल बनता है, मतलब एक टेम्पल का मंदिर है वहाँ पे, तो यही वो जगह है जो तिर्किस्तान बोलते है, जहाँ पे अलग अलग टेम्पल्स बनते हैं, तो यही वो जगह है जहाँ पे है ऐसा। और जो गणपति का जो गणेश गली का राजा है वो बैठने वाला है वहाँ पे अंदर, तो वहाँ अलाउड नहीं, तो हम लोग वहाँ पे जाएंगे भी नहीं। तो बाकी तो यहाँ पे बहुत ही प्यारा सा सजावट लग रहा है मुझे। गाइस पहले से तो कुछ ज्यादा यहाँ पे डेकोरेशन हो चुका है, पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा होगा कि इतना डेकोरेशन नहीं हुआ था, बट हो तो बहुत अच्छे से हुआ था। लेकिन अब सेकेंड पार्ट में जब मैं सेकेंड पार्ट लेके आया हूँ और सेकेंड ब्लॉग यहाँ पे आके बना रहा हूँ, तो कुछ ज्यादा यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह हो चुका है और स्टेज वगैरह भी बहुत आगे आ गया, पहले थोड़ा पीछे था। अब इसे धीरे धीरे करके ये जो ऊपर लोखंड वगैरह दिख रहा है इसे यहाँ पे लगा लगा के, और जहाँ पे जितने भी चिक्कल है ना यहाँ पे पूरा कवर अप करेंगे जब तक गणपति बापा का आगमन होगा ना, तब तक ये स्टेज है ना बहुत आगे तक आ जाएगा। अभी फिलहाल यहाँ पे तो चिक्कल वगैरह, तो तब तक तो यहाँ पे पूरा आ जाएगा। और बहुत ही अच्छा सेटअप है यहाँ पे लग रहा है गणेश गली का, और बहुत ही प्यारा सा लग रहा है। पहले ब्लॉग में भी देखा था कितना प्यारा सा यहाँ पे लोकेशन था, और अभी भी फिलहाल तो अच्छी ज्यादा काम हो चुका है। ऑलमोस्ट नेक्स्ट टाइम जब पार्ट थ्री लेके आऊंगा, अगर आप लोग कमेंट करते हो तो पार्ट थ्री लेके आऊंगा, तो उस पर ऑलमोस्ट डेकोरेशन हो चुका होगा। तो पार्ट टू में तो आप देख सकते हो भाई कितना सारा डेकोरेशन यहाँ पे हो चुका है, बस थोड़ा बहुत यहाँ पे बाकी है, ये सब भी कवर अप करना है, बाकी हो जाएगा। पहले मैं आपको यहाँ का थोड़ा सिनेमेटिक्स देता हूँ, जिससे आपको पता चलेगा कितना काम हो चुका है, कितना काम नहीं हुआ। तो गाइस जैसे कि हम लोग देख सकते हो गणपति का स्टेज पे आ चुके हैं, और यहाँ पे वर्क वगैरह सब चालू है। भाई लोग बहुत अच्छे से बहुत प्यार से यहाँ पे वर्क वगैरह कर रहे, और गणपति बापा की जो मूर्ति है वहाँ पे अंदर बैठने वाली है, बट वहाँ पे अलाउड नहीं किया क्योंकि गणपति बनना स्टार्ट हो चुके हैं गाइस, क्योंकि अभी कितने दिन बाकी गणपति बापा बनने मतलब आने के लिए। तो वहाँ पे ना ऑलमोस्ट गणपति बनना स्टार्ट हो चुकी है और वहाँ पे अंदर जाना हम लोग को अलाउड नहीं किया है। तो हम लोग स्टेज वगैरह दिखा देते हैं आपको, देखो गाइस यहाँ पे वर्क वगैरह चालू है और ये सब अभी धीरे धीरे सब करके यहाँ पे कवर अप हो जाएगा। तो जब कवर अप हो जाएगा तो बहुत प्यारा सा लगेगा, एंड ट्राई करूंगा कि मैं पार्ट थ्री लेके जब गणपति का आगमन यहाँ पे हो जाएगा तो भी मैं आके यहाँ पे आके ब्लॉग शूट करूँ एंड आप लोगों को लाइव दिखाऊं कि गणेश गली का गणपति इस साल बैठने वाला कैसा है। तो गाइज आप लोगों ने सिनेमेटिक्स वगैरह देख लिया होगा कि कितना प्यारा सा लोकेशन है यहाँ पे। गाइज आज के वीडियो में मैं आपको पार्ट टू में जहाँ पे गणेश गली का राजा बैठता है वो जगह दिखा नहीं पाऊंगा, क्योंकि वो जगह वहाँ पे पैक हो चुका है, वहाँ पे था आप लोगों को पता होगा, जैसे कि पार्ट वन में आपने देखा होगा वो जगह अभी पूरा पैक कर लिया है, क्योंकि अभी गणपति बनना स्टार्ट हो गया है। और आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे ब्लॉग में तो गणपति देखना बिल्कुल नामुमकिन होगा, क्योंकि बिल्कुल अलाउड नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे
वीडियो में अगर गणपति बापा शो हो जाएंगे तो फिर कैसे चलेगा। तो ऐसे में कुछ क्राइम भी हो सकता है कि हम लोग ने पहले ही शो करा दिया, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाने वाले क्योंकि हमको परमिशन ही नहीं मिलता ना ऐसे जगह पे जाने का, क्योंकि बप्पा की मूर्ति बन रही है, गणपति बप्पा की मूर्ति बन रही है, तो वहाँ पे जाके वीडियो बनाना, तो उनकी गणपति की जो गणपति बन रही है वो हमारे ब्लॉग में अगर आ जाएगा तो लोग सोचेंगे ना कि पहले गणपति देख लिया तो फिर यहाँ पे क्यों आना, तो ऐसा बहुत इशू हो सकता है, इसके लिए हम लोग वहाँ पे नहीं गए थे। तो अभी अंदर जिधर गणपति बन रहा है, अंदर जिधर गणपति बन रहा है गणेश जी का, हम लोग तो वहाँ पे नहीं जाएंगे, बस बाहर से आपको जितना डेकोरेशन हो सकता था मैंने दिखा दिया, और वहाँ पे बिल्कुल अलाउड नहीं है जहाँ पे मूर्ति बन रही है, तो हम लोग वहाँ पे नहीं जाने वाले। होप गाइज आज के ब्लॉग में मैंने आपको इतना कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि पहले पार्ट वन में आया था तो अभी इतना सजावट हुआ नहीं था, तो मैं जहाँ पे गणेश गली का राजा बैठता है वहाँ पे भी जाके आपको दिखाया था, लेकिन इस बार कैसा है कि गणपति नजदीक आ चुका है तो चिंतामणि लालबाग और गणेश गली का गणपति जो है वो जगह भी दिखा नहीं पाएंगे जहाँ पे वो बैठता है, क्योंकि अभी अलाउड नहीं करेंगे क्योंकि वीडियो में शो हो जाएगा ना तो बहुत प्रॉब्लम होता है, तो इसके लिए अलाउड किसी को नहीं कर रहे। तो बाहर से जितना भी डेकोरेशन हो रहा है मैं तीनों जगह डेकोरेशन आपको वीडियो अपलोड करके दिखा रहा हूँ, तो अगर आपने चिंतामणि पार्ट टू नहीं देखा होगा और लालबाग पार्ट थ्री नहीं देखा हो तो फटाफट से जाके मेरे चैनल पे देख लो, और गणेश गली का पार्ट टू है, और जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया यहाँ पे पार्ट टू में आज बस इतना ही था कि आज ज्यादा कुछ दिखा नहीं पाया क्योंकि आज दिखाने जितना भी कुछ था नहीं। तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आएगी तो लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, और चैनल पे नए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना क्योंकि जब गणपति का आगमन होगा ना तो आपको बहुत बहुत प्यारे प्यारे ब्लॉग मैं अपने चैनल पे अपलोड करने वाला, जैसे कि चिंतामणि का हो गया, लालबाग हो गया, गणेश गली का हो गया, लाइव गणपति मूर्ति आपको दिखाऊंगा। तो चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करके जाना और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए। तो गाइस मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक।